हाँ हेलो सर, आज आप जो है गौरी हत्याकांड घटना स्थल पर आए, आपको क्या जानकारी मिली? देखो, गौरी में जो हुआ है ना, ये नया नहीं है। हजारों हजारों साल से ये हमारे साथ होता आ रहा है। जब भी कोई अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता है या अपने पैरों पर खड़ा होता है तो वो इस व्यवस्था में बैठे उच्च वर्णीय लोगों को चुप जाता है। यही हुआ इस परिवार के साथ, और जो हुआ है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जाता। लेकिन उसके होने के बाद जो कार्रवाई हुई है वो ये है कि जिसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं, उसका खोखला सच ये है कि एक बच्चे की उसकी माँ की रेप करके हत्या कर जाती है, उसके 10 साल के भाई की, उसके पिता की, और अपराधियों को पकड़ने की जगह पुलिस एक निर्दोष को, जो भी निर्दोष बताया जा रहा है परिवार द्वारा, उसको पकड़ के ले जाती है। और क्योंकि मामला दबाना, अब क्योंकि मामला मुख्यमंत्री की जाति के लोगों से जुड़ा हुआ है तो उन लोगों का बचाव करना है, इसलिए उनको बचाने के लिए, आरोपियों को बचाने के लिए एक निर्दोष को भेजा गया। और मेरा प्रयास ये है कि जो दोषी है उसको सजा मिले, कोई निर्दोष जेल ना जाए और न्याय हो। और ये घटना आज की नहीं है, ये घटना, आओ माँ आ जाओ, ये घटना चली आ रही है लंबे समय से, 2017 से 2019 से, इससे पहले भी कई बार उन पर हमले हुए हैं, हत्या तक के प्रयास हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जब कार्रवाई नहीं हुई तो अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। जिन लोगों ने पहले इनके गेट तोड़ के मारा पीटा था, अब उनके हौसले इतने बढ़े कि अब उन्होंने हत्या भी कर दी, कोई बात नहीं हो रही है। हम सब जान गए हैं 17 तारीख के बाद लौटेंगे, अगर CBI जाँच नहीं होगी, दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, उनकी रक्षा सुरक्षा नहीं होगी, उनके हक अधिकार पे जो डाका पड़ रहा है उनकी ज़मीनों पे उसकी सुरक्षा नहीं होगी, तो 17 तारीख के बाद मैं खुद आकर DM ऑफिस के बाहर धरने बैठूंगा और तब तक धरने से नहीं उठूंगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। 25 तारीख से ये मैटर खुलासा नज़र में आया सबके, लेकिन आप तो अब तक कहाँ थे? आज जो है 13 तारीख में आया, आज 18 दिन का गैप। मैं अकेला आदमी हूँ, जैसे तुम यहाँ से प्रयागराज से बाहर कब जाते हो किसी घटना को कवरेज करने के लिए, मैं अकेला आदमी हूँ, 50 आदमी नहीं, पूरे देश का काम करता हूँ, जब भी कहें अत्याचार हो तो जाता हूँ। अब तुम अगर चंद्रशेखर को इस चंद्रशेखर में देखोगे तो नहीं मिलेगा, तुम इसमें देखोगे तो मिल जाएगा। हमारे बहुत बड़ी आबादी बहुजन समाज के लोग, पूरे देश में है, उनके साथ जहाँ अन्याय अत्याचार होता मैं सब जगह रहता हूँ, तो जहाँ मैं नहीं आता वहाँ ये पूनम चंद्रशेखर के रूप में होती है, वहाँ ये पंकज चंद्रशेखर के रूप में होता है, वहाँ ये सतवंत सिंह यादव चंद्रशेखर के रूप में होता है। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये सब लड़ना चाहते हैं और जो लड़ रहा है वही चंद्रशेखर। देखने का फर्क है, अगर मुझ में देखोगे तो नहीं मिलेगा, अगर हर लड़ने वाले में देखोगे तो उनका भाई, उनका बेटा, उनका दोस्त हर जगह मिल जाए। बहुत लोग कह रहे हैं कि इस कांड को लेकर आप राजनीति करने आए हैं। कहाँ तो क्यों करनी चाहिए ना, अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा करना का राजनीति तो करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग पहले आए थे या पुलिस प्रशासन, क्या उन्होंने न्याय दिया? मेरी जरूरत क्यों पड़ी? इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में संविधान है, और संविधान हर व्यक्ति को आज़ादी भी देता है, अधिकार भी देता है, और न्याय उसका जन्म से अधिकार इस बात की पुष्टि भी करता है। फिर न्याय इस परिवार को क्यों नहीं मिला? मुझे आना क्यों पड़ा? केस का जवाब आप या मीडिया या प्रशासन या सरकार दे सकती है। मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ न्याय नहीं हो रहा है। अगर यहाँ न्याय होता तो मेरी क्या जरूरत होती? तो इसलिए, क्योंकि अन्याय हम लोग होने नहीं देंगे। और मैं ये बताने के लिए भी हूँ, किसी को एक घमंड हो, यहाँ से लेके और वहाँ तक बाबा जी के 5 कलश मार्ग तक, उनको लगता हो कि सरकार उनकी है तो वो कुछ भी करेंगे और कार्रवाई नहीं होगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। हाथरस में भी तो यही हुआ था ना, हाथरस में भी खुलासे हुए थे, फिर CBI इंक्वायरी हुई तो जिन लोगों को पुलिस बचा रही थी, जहाँ ADG लॉ एंड ऑर्डर ने बयान दिया कि रेप नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? CBI रिपोर्ट में क्या हुआ? तो हमें CBI की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि लोकल पुलिस और सरकार मिलकर हमारी हत्याओं को सुसाइड साबित करने में लगी हुई है। हमें न्याय चाहिए और न्याय हम ले करेंगे। और अगर इसको राजनीति कहा जाता तो कहिए राजनीति, और होनी चाहिए राजनीति। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कुछ लोग जो है इसके विरोध में धरना कर रहे थे धरना स्थल पर, वहाँ उनके घर जो है पुलिस गई और उनके घर वालों को गिरफ्तार किया। ये सही है, सही बात। क्या कहेंगे उस पर? हाँ, मैं समझता हूँ इसके लिए पुलिस कह सकती है, मैं क्या कह सकता हूँ? अकेले लड़ना है तो कुछ तो सहना पड़ेगा ना। किसान 750 मरे हैं, शहीद हुए हैं, तब जाके तो अधिकार मिले हैं। मांगने से यहाँ भीख मिलती है, ये लोकतंत्र है, इसको राजतंत्र बना, जिसकी सरकार होती है वो मालिक समय हो जाता है, और मालिक फिर गुलामों को या जिनको गुलाम समझता है उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करता है। इस प्रथा को हम लोग काट देंगे, चिंता